हेलो दोस्तों, इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दानिश खान, आपका दोस्त। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एसटीसी के बारे में, जो कि एसटीसी पे है। इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है एसटीसी वालों ने, जो कि बहुत बढ़िया ऐप है। सेम पेटीएम की तरह है, जैसे कि हमारे इंडिया में पेटीएम यूज़ होता है, उस तरीके से आप यहाँ पर एसटीसी पे यूज़ कर सकते हो। आप लोकल में भी और रिचार्ज में भी, यानी कि हर तरीके का आप बिल पे कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, रेस्टोरेंट में जाके पे कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, अपने दोस्त के पास पैसे भेज सकते हो, उससे ले सकते हो, ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हो, कुछ भी, यानी कि ऑनलाइन हर चीज़ आप इससे कर सकते हो। ये जो है एसटीसी वालों ने ऐप लॉन्च किया है, एक महीना सा नहीं हुआ होगा खैर मेरे ख्याल से, दोस्तों इसे एक हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता हुआ होगा, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका नाम है, इसका लोगो है STCPay, ये है। और इसको लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका फ़ोन नंबर चाहिएगा। फ़ोन नंबर के लिए आपको STC फ़ोन नंबर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट नंबर मांगेगा, जिस अकाउंट नंबर पे आपका ये नंबर होगा STCPay वाला, ये डालना है आपको। इसके बाद आपके से ये बर्थडे पूछेगा, आप कब जन्म हुआ है, जो आपके अकाउंट पे होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद वो साइन अप हो जाएगा। मैं अभी आपको कुछ इसके स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ दोस्तों, STCPay के ये कुछ इसके स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो वेलकम टू STC। और यहाँ पे देख सकते हो योर बैलेंस, यहाँ पे आपके सारे बैलेंस शो होंगे, जो भी आपका बैलेंस होगा ऐड किया हुआ। और ये यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से QR कोड आपको नज़र आएगा, मैं भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में QR कोड, उस तरीके से आप स्कैन करके पैसे दे सकते हो किसी को भी। यहाँ पे ये परचेसिंग, आप परचेज कर सकते हो, इस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ अपना वॉलेट, क्योंकि मैंने अभी एक पहले वीडियो बनाई थी तो इसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, क्योंकि ये प्राइवेसी है STC ऐप। तो देखता हूँ, अगर जी ब्लैंक आया तो मैं वीडियो यहीं तक बनाऊँगा, नहीं आया तो आप देख लेना, मुझे पता लग जाएगा। तो मैं इस तरीके से ओपन कर रहा हूँ इसे। ओपन करने के बाद आपको आपसे पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, वो कर लेना आप। लॉगिन किया मैंने यहाँ पे, और मेरे ख़्याल से आपको ये स्क्रीन अब दिखनी बंद हो गई होगी, जैसे भी हुआ है कमेंट में बताना। सेम वही प्रोसेस है, ये यहाँ पे सेंट मनी, एड मनी, एड मनी में जाओगे तो आपसे आपका जो ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेता है आपका सारा बैंक का अकाउंट, यहीं पे एड मनी पे होएगा, जो कि आपका कार्ड होता है वो टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है, क्योंकि आपके अकाउंट पे ही वो होता है, सारी डिटेल आपकी अकाउंट पे होती है, वो डिटेल सारी यहाँ पे ये ले लेता है। आप किसी को भी पे कर सकते हो और किसी से भी पैसे मंगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।